नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा आपका। मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आज बात होगी उस विषय की जिसको लेकर सियासत आने वाले दिनों में एक नया संकेत और संदेश दे सकती है। वो विषय जो पिछले कुछ महीनों से चर्चा का विषय बना रहा, वो तस्वीरें जिसे पूरे देश ने देखा और उसके बाद सवाल खड़े होने लगे कि क्या मंत्री या फिर मंत्री का बेटा इस तरह से किसानों को रौन सकता है। जी, मैं बात कर रहा हूं लखीमपुर खीरी कांड की। आप कहेंगे कि आज तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव, बंपर वोटिंग, ये तमाम खबरें हैं, लेकिन खबरों के भीतर आप चर्चा कर रहे हैं लखीमपुर खीरी कांड की, तो भला क्यों? दरअसल इसके पीछे वजह है लखीमपुर खीरी कांड, जिसमें बेटे को बेल मिल गई। जी हां, मंत्री के बेटे को बेल मिल गई, ये आज एक बड़ी खबर आई। और अब जैसे ही ये खबर आई, उसके बाद सियासी तूफान आ गया। दो बड़े नेताओं ने ट्वीट किया, एक अखिलेश यादव और दूसरा जयंत चौधरी। उन ट्वीट्स को मैं आगे बताऊंगा, लेकिन सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या एक तरफा मंत्री के बेटे को जमानत मिल गई, जो आरोप लगाए जा रहे हैं सियासी गलियारों में। क्या वाकई में अगर ऐसा है तो टैनी के बेटे को जमानत बीजेपी का सेल्फ गोल तो नहीं है? सेल्फ गोल, हिंसा में मारे गए, जो ये लखीमपुर खीरी की घटना हुई थी, दुर्घटना, नरसंहार जिसे मैं कहता हूं, उसमें हिंसा में मारे गए रमन के पिता क्या कहते हैं? कहते हैं कि आशीष का वो विरोध करेंगे चुनाव में आने वाले। याद होगा आपको कि इस पूरे के पूरे मसले को लेकर 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। और मंत्री का बेटा, गृह राज्य मंत्री का बेटा अजय मिश्रा टैनी का बेटा आशीष मिश्रा खुद इस पूरे मामले में आरोपी है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच ने बेल दे दी, लेकिन अब सियासी नजरिए से इस कहानी को समझिए। लखीमपुर खीरी में चौथे चरण में वोटिंग होनी है, चौथे चरण में, यानी कि 23 फरवरी को यहां पर मतदान होगा, वोटिंग होगी, और 23 फरवरी तक आशीष मिश्र जेल से बाहर होगा, जेल से बाहर। और अब इस पूरे मसले को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, सवाल जिसका जिक्र मैं आगे करूं, लेकिन इतना जान लीजिए कि 5000 पन्नों की चार्जशीट है और कुल इसमें 17 आरोपी हैं और इनमें से 3 की मौत हो गई। एक आरोपी वीरेंद्र शुक्ला के खिलाफ 201 के तहत मुकदमा दर्ज है। वीरेंद्र शुक्ला कौन? मंत्री टैनी के बेटे आशीष मिश्रा का साला है। अब किसान नेता जो कह रहे हैं, जो इस पूरे मामले की सुनवाई में शामिल हुए, उनका यह कहना है, उनके आरोप है कि आज सुनवाई के वक्त, जब किसानों के वकील के बोलने का वक्त आया, तो इंटरनेट कनेक्शन कट गया। सुनवाई के दौरान इंटरनेट का कनेक्शन कट गया, सुनवाई ऑनलाइन हो रही थी, इसलिए एक तरफा बात सुनकर बेल एप्लीकेशन मंजूर कर दी गई। अब जो एप्लीकेशन को लेकर रीहेयरिंग की बात की जा रही है, उसके लिए एप्लीकेशन डाली जाएगी ताकि इस पूरे मामले की रीहेयरिंग हो। अब इस पूरे मामले को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। क्या ट्वीट किया है? ट्वीट यह किया है कि खबरदार रहना, जुल्मी हकूमत की सियासत से उनके पाले पोसे बाहर आ रहे हैं, हिरासत से। अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं, खबरदार रहना, जुल्मी हकूमत की सियासत से उनके पाले पोसे बाहर आ रहे हैं, हिरासत से। अब इसके बाद जयंत चौधरी भी ट्वीट करते हैं। क्या ट्वीट करते हैं? क्या व्यवस्था है? चार किसानों को रौंदा,
चार महीने में जमानत। अब इस पूरे मसले को लेकर सियासी तूफान खड़ा है। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका तारुफ करवाएंगे और साथ ही साथ एक दिलचस्प और बड़ा बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी आया है, वो हम आगे आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आज आपको अपने मेहमानों से तारुफ करवा दूं जो आज इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे उनसे। हमारे साथ लोकेश जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के युवा चेहरे हैं। चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जो कि सपा का चेहरा है। साथ ही साथ मेरे साथ इस वक्त स्वामी इंद्र जुड़ चुके हैं जो कि किसान नेता है। हमारे साथ वैभव अग्रवाल जुड़ेंगे जो कि नेता है। लेकिन इस पूरे मसले को लेकर शिल्पी जी आप लोग सवाल उठा रहे हैं सरकार पर और मानना कर रहे हैं आप सवाल, इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं खबरदार रहना जुल्मी हुकूमत की सियासत से उनके पाले पोसे बाहर आ रहे हैं हिरासत से। और जयंत चौधरी कह रहे हैं क्या व्यवस्था है, चार किसानों को रौंदा, चार महीने में जमानत। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैडम अनम्यूट कर लीजिए जी। अनम्यूट देखिए, कोर्ट की अवमानना जैसी बात खुद कोर्ट ने, अगर वो कहता है ये अवमानना है तो कोर्ट ने इसका मौका दिया है लोगों को एक तरफा सुनकर। आपको तो ये डिसीजन सुरक्षित रखना चाहिए था ना, रीहेयरिंग करनी चाहिए थी। अभी तो दूसरी डिबेट में एक महानुभाव कह रहे थे कि पोलिंग परसेंटेज अगर डाउन हो रहा है तो लोगों से ऑनलाइन पोलिंग कराया जाए। आज आप देखिए इतना बड़ा उदाहरण है कि ऑनलाइन कनेक्टिविटी बंद कर दी जाती है। और ये मैं बराबर कहती रही हूं, जहां भी रैलियां होती हैं, जहां पे पब्लिक से संवाद करने की स्थिति होती है, वहां पर जैमर लगा दिए जाते हैं, नेटवर्क डाउन कर दिया जाता है। इतना बड़ा ये घोटाला है, अगर इस पर भी सवाल ना उठाया जाए तो क्या किया जाए? क्या जज साहब इस फैसले को सुरक्षित नहीं रख सकते थे अगली हियरिंग के लिए? लेकिन उनको जल्दबाजी थी क्योंकि सब कुछ ऊपर से मैनेज है। और जयंत चौधरी जी ने जो कहा है वो क्या गलत कहा है, 376 को लेके बलात्कार का जो एक्ट लगता है बलात्कारियों पर, उसको लेकर पब्लिक में मैसेज पहले था 376 मतलब 6 महीने, 6 महीने में तो मैं बाहर आ जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है, कर लेता हूं। उसी तरीके से अब तो 302 को लेके अगर ये इतना भयानक फैसला आया है, ये मैं भयानक फैसला कहूंगी कि 5000 पन्नों की चार्जशीट जो आप बार बार बता रहे हैं, इतना क्रूरतम नरसंहार ये कत्लोआम हुआ, उसके बावजूद आपने उस व्यक्ति को जमानत दे दी, खुलेआम दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, सब लोग देख रहे हैं। और जो एक जो पीड़ित पत्रकार का शायद आपने नाम बताया कि उनके पिता ने कहा है कि मैं इसके खिलाफ जाऊंगा, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अरे हम क्या करेंगे, कानून जो न्यायपालिका सर्वोच्च होती है अगर वो इस तरीके से कार्य करेगी तो हमें आपको न्यायपालिका की व्यवस्था पर भी यकीन नहीं रहा? बिल्कुल नहीं रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा। आप क्या जज साहब इस फैसले को सुरक्षित नहीं रख सकते थे? अगर नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं थी, ऑनलाइन हियरिंग हो रही थी, तो उनको ये फैसला सुरक्षित रखना चाहिए था अगली हियरिंग के लिए। क्या जल्दबाजी थी, क्या दबाव था कि उनको ये फैसला देना पड़ा? और ये तो सब जानते हैं कि इस समय कोर्ट कचहरी किसके, आप जमानत नहीं मिल सकती चार्जशीट। अरे दूसरे को आप सुनवाई, दूसरे को अपना पक्ष तो आप रखने देंगे? देखिए सरकार का तो बहुत कुछ लेना देना है। समाजवादी पार्टी के न जाने कितने कार्यकर्ताओं को 151 जो निजी मुचलके पे जब छोड़ने की जिसमें धारा है उसमें भी लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और उनको जमानत लेने में महीनों लगे हैं उस, क्योंकि ये सरकार का दबाव रहता है। स्वामी इंद्र जी, आप लोगों ने एक मुहिम की तरह चलाया इस पूरे विषय को लेकर, लखीमपुर खीरी कांड, और आपने कहा कि जनता याद रखेगी जिस तरह से किसानों को कुचला गया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसकी गूंज सुनाई देगी। लेकिन मेरा यह सवाल है आपसे कि ऐसे हालात में जब चुनाव चल रहे हैं और लखीमपुर खीरी कांड को लेकर अब जिसके ऊपर आरोप था वो बाहर आ रहा है, उसे बेल मिल गई है, आपका रिएक्शन? देखिए ये बड़ी दुखद घटना है और इसके ऊपर सियासतदान सियासत करते हैं तो दिल को बड़ी ठेस लगती है। आज देश के अंदर किसान सहमा हुआ है, देश की सबसे बड़ी पंचायत जहां से किसानों को आश्वासन देकर उठाया गया कि हम आपकी तमाम मांगों को पूरा करेंगे, और किसानों की चार मुख्य मांगों में से एक मुख्य मांग यही है कि लखीमपुर खीरी का जो कांड है उसके ऊपर सरकार निष्पक्ष जांच करे, न्यायपालिका से किसानों को न्याय मिले। इसमें सिर्फ किसान ही नहीं,
इसमें देश के आम नागरिक भी आहत हुए हैं। आज देश के लोग देख रहे हैं किस प्रकार से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ। जब किसानों की बात रखने का समय आया तब इंटरनेट सुविधा आपने बंद कर दी, और न्यायाधीश को भी समझना चाहिए था कि अपने विवेक का वो सही इस्तेमाल करते, वो समझते कि देश के नागरिक की बात नहीं सुनी जा रही, उसकी बात मेरे तक नहीं पहुंचाई जा रही। वर्चुअल तरीके से अगर आप बात सुन रहे हैं तो उसमें पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए थी। आज किसान समझ गया कि देश का सबसे बड़ा नागरिक, देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल सकता है, तो आज न्यायपालिका में क्या हुआ ये बड़ा दुखद है। आज हमारा हृदय रो रहा है, हम बहुत दुखी हैं। रीहेरिंग की भी एक व्यवस्था होती है, होती है। मैं वही कह रहा हूं आज किसान को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का जो षड्यंत्र रचा गया है, इससे किसान बहुत दुखी है। पूरी दुनिया, पूरे देश में ये बहुत गलत मैसेज गया कि आप टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और पूरी ताकत लगा रहे हैं। किसानों को आशंका थी कि अजय टैनी मिश्रा जी जान बूझ कर जाकर इस पद पे बैठे रहेंगे, वो किसी ना किसी तरीके से जांच को प्रभावित करेंगे, उसका आज सामने उदाहरण पेश हो चुका है। कुछ राहत मिली आपको? मंत्री का बेटा बाहर आ रहा है, लखीमपुर खीरी कांड जिसको लेकर सवाल खड़े हुए सरकार पर और सरकार की मंशा पर, नीति और नियत पर, अब उसे बेल मिल गई है, कुछ राहत है आप लोगों के लिए? सर अनम्यूट कर दीजिए। मुझे एक चीज समझ नहीं आती है कि हम सरकार को राहत मिलने से क्यों उतावले हैं इतने। मतलब उत्तर प्रदेश सरकार के एडवोकेट जनरल ने, यानी सरकारी वकील ने, तो आशीष मिश्रा के नाम पे खड़े होके इल्जाम लगाया है कि वो थार में बैठे थे, गाड़ी में बैठे थे और उन्होंने किसानों को रौन दिया। तो सरकार तो इसके बिल्कुल ही अगेंस्ट थी। सरकार का पक्ष एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको एक एक इन्वेस्टिगेटिव रूप में कार्य करना था, और शायद स्वामी जी ने राकेश जी की जो स्टेटमेंट आई है वो नहीं सुनी है अपनी स्टेटमेंट देने से पहले। लेकिन राकेश टिकैत जी ने तो खुद बोला है कि अगर उच्च न्यायालय का आदेश आया है तो कुछ सोच समझ के ही आदेश दिया होगा, और शायद जो प्रूफ वगैरह है, जो भी उनकी प्रणाली है उसको कंसिडर किया होगा और उसमें कोई कमी पेशी रही होगी। तो मेरे ख्याल से इसके अंदर नया, अब हमारे देश में अराजकता ऐसी है कि एक महिला नेत्री बैठी है जो कि एक राज्य स्तरीय पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और वो ये कह रही हैं कि न्यायपालिका ने बहुत गलत कर दिया उनको। अब महिला नेत्री बताएंगी कि न्यायपालिका को अपना ऑर्डर रिजर्व कब करना चाहिए था, कैसे करना चाहिए था, ऑर्डर अनाउंस कैसे करना चाहिए था। आप देखो अराजकता की बात देखो, आपके चैनल पे अभी डिबेट पे अराजकता की बात देखो, ठीक है? आपकी इतनी इतनी हवा में इतना आपके भसा बुरा। तो हाई कोर्ट अगर सब कुछ होता तो सुप्रीम कोर्ट नहीं बनता माननीय। अराजक आप लोग हैं, अराजकता की आप कर रहे हैं सहमति, आप अराजक लोग हैं। नहीं नहीं करिए आप डिबेट, आप डिबेट करने की बात नहीं है। आप डिबेट नहीं तो आप नहीं करेंगे तो जाइए ना, मैंने आपको नहीं बुलाया है, उन्होंने अगर आपको बुलाया तो मुझे भी बुलाया। नहीं नहीं आप अपने शब्द जरा नियंत्रण में रखिए। कल आपके यहाँ का एक डिबेटर आया है यहाँ पर बदतमीजी करने, जूता किसने दिखाया था पूछिए जरा इनसे, जूता दिखाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, समाजवादी पार्टी के लोग नहीं थे। अगर आपको ऑब्जेक्शन होगा मैं आपके पास आऊंगा ना, अगर आपको नहीं ऑब्जेक्शन तो मुझे है, बिल्कुल है, बिल्कुल मैं आऊंगा आपके पास प्लीज। लेकिन एक एक करके अपनी बात रखिए ना मैडम प्लीज। जिन्होंने जूता दिखाया तो उन्होंने जूता दिखाया तो उसके बाद उनका विरोध भी हुआ। नहीं विरोध हुआ तो ये बदतमीजी करेंगे इस तरीके से? मैडम एक एक करके अपनी बात रखिए ना प्लीज। अगर हाईकोर्ट सब कुछ होता जी, हाईकोर्ट सब कुछ होता तो सुप्रीम कोर्ट नहीं होते भारत में। आपका पॉइंट है ना, आपका पॉइंट वैलिड है तो मैं आपके पास आऊंगा। आपको अगर उनके कथन पर ऑब्जेक्शन है तो मैं आपके पास आऊंगा जरूर। लेकिन ओके लोकेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए। लोकेश जी नमस्कार जी, नमस्कार। बेल मिल गई जी बेटे को। नमस्कार जी, मेरी आवाज आ रही है जी आपको? जी बिल्कुल जी, कहिए कहिए। मैं कह रहा हूँ मंत्री के बेटे को बेल मिल गई
जी मैंने देखा मंत्री के बेटे को बेल मिल गई, डेरा सच्चा सौदा के जो चीफ थे वो रिहा हो गए, और ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही है। और चुनावी माहौल के अंदर नैतिकता और मूल्यों का कोई भी ऐसा मतलब कुछ बचा नहीं है जो इन्होंने ना तोड़ा हो। खैर अभी जनता ये सब देख रही है, जनता जागरूक है, और जनता ही निर्णय करेगी उन्हें किस तरह का नेता चाहिए, किस तरह की सरकार चाहिए। कहना क्या चाह रहे हैं आप? लखीमपुर खीरी जी कान मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप भाजपा की नीतियों को देखें, भाजपा की नीति सरासर अनैतिक है और मूल्यों के विहीन है। अभी आप देखिए इलेक्शन से बस 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी ने जो है सभी बिजली के दर घटा दिए 50% से उत्तर प्रदेश के अंदर। पूरे 5 साल जब वो थे तब उत्तर प्रदेश का हर किसान 6 रुपए की बिजली का प्राइस भर रहा था। अब बस इलेक्शन के जस्ट पहले कह दिया नहीं अभी आप 3 रुपए जो है बिजली का यूनिट देंगे। डेरा सच्चा सौदा जिसने जो क्रिमिनल आदमी था जिसके ऊपर रेप के मुकदमे चल रहे थे उसे पंजाब के चुनाव से जस्ट पहले रिहा कर दिया जाता है। अब महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र के अंदर ये ईडी और सीबीआई के जो इन्होंने कहर मचा रखा है उसके बाद में अभी जो इनके बावन कुले जो इनके एक गार्जियन मिनिस्टर रह चुके थे उनका एक जैसे ही स्कैम आता है उसमें ईडी या सीबीआई हरकत में नहीं आती। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जनता ये सब देखती है, जनता ये सब जानती है, देख रही है किस तरह से सरकार जो है अनैतिक है, मूल्यों के विहीन है, और इस बार जो इलेक्शंस होंगे उसमें जनता ये निर्णय करेगी उन्हें किस तरह की सरकार चाहिए, किस तरह की विचारधारा चाहिए। अच्छा, किस तरह की सरकार, किस तरह की विचारधारा, तो कोर्ट आपके कहने पर चलेगा लोकेश जी? नहीं कोर्ट हमारे कहने पे तो नहीं चलेगा, लेकिन एक मूल्य है, एक सत्य है जो हम हमारी और आपकी सबकी सोच से परे है, जो अपने आप में सब सब कुछ है, उसके आधार पर कोई भी राजनीति हो, सामाजिक व्यवस्था हो, न्यायिक व्यवस्था हो, उस मुताबिक चले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके स्वामेंद्र जी, देखिए अब आप कांग्रेस लोगों का अगला का स्टैंड क्या होगा? अब तो जमानत मिल गई ना? देखिए, किसान ने संयुक्त किसान मोर्चे के कहने पर ये आंदोलन स्थगित किया है, ये आंदोलन समाप्त नहीं हुआ। लखीमपुर खीरी वो ले आओ का जो जाके, ये चुनाव है पावर बैंक ले आओ जिसको लेके ठीक ये छोड़ा, है, ये ले जो जाओ। इनको छोड़ा गया है टैनी जी के बेटे को, और इस बात को हम किसान समझ रहे हैं। किसान ने शुरू से कहा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को बहुत बुरे तरीके से बदमाशों द्वारा, गुंडों द्वारा लोगों को डरा धमका कर बीजेपी के पक्ष में वोट डालने के लिए मजबूर किया जा सकता है, और ये धौंस दिखाते हमारे को कई दफा नजर भी आए हैं, और अभी आपके चैनल पर विजुअल चल रहा है कि किस प्रकार से किसानों की और आम नागरिक की निर्मम हत्या की जा रही है। देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा जिस गाड़ी को चला रहे हैं, उस गाड़ी को जानबूझकर लोगों की जो भीड़ है जो दूसरी दिशा में जा रही थी उस दिशा में पीछे से आकर दबाया, रोंदा, मारा गया, तो आप समझ सकते हैं कितने लोगों को ये मारने की मंशा से लेकर आगे बढ़े, सिर्फ इसलिए कि किसान जो है 3 बिलों का विरोध कर रहे थे जो कि केंद्र ने थोपे थे, पर इन्हें यह लग रहा था कि इन बिलों के द्वारा हम किसानों की जमीनों को हथियाने में अगर नाकामयाब हो गए तो फिर हमारा क्या होगा। देश की संपत्ति को लूटने के लिए एक षड्यंत्र, जो खुद एसआईटी ने खुद बताया, सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट द्वारा जो एसआईटी गठित हुई उसने कहा कि ये षड्यंत्र पूर्ण घटना है, आप कैसे हो सकता है देश के गृह राज्य मंत्री की गाड़ी इसमें चल रही हो, उनका बेटा गाड़ी में सवार हो, वहां आप गोलियां लोगों का चलाई अगला जा रही स्टैंड क्या है? हो, निहत्ते लोगों पर आप बार लोगों का किया अगला जा रहा स्टैंड क्या है? हो। वो नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है। स्टैंड आप लोगों बिल्कुल का क्लियर अगला है, इसके अलावा किसान ने आंदोलन स्थगित किया है, आंदोलन वापस नहीं लिया, इसके हम हर अलावा चीज समझ रहे हैं, हर चीज को नोट कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा इस पर जरूर संज्ञान लेगा, और किसानों की भावनाओं के ऊपर
खरे उतरेगा और आने वाले समय में अगर सरकार नहीं चेती आप इसे तो मुद्दा बनाएंगे, किसान दिल्ली की तरफ फिर बढ़ेंगे। नहीं नहीं, आप इसे चुनावी मुद्दा बनाएंगे। किसान को चुनाव लड़ रहा है, किसान तो मतदाता है, हम अपने मत का कर रहे हैं। आपके नेता ही तो कह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ वोट डालो, आप ही के तो नेता बिल्कुल राजनीतिक दल को खुले तौर पर समर्थन दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। आप ये समझिए, आपको याद होगा ये प्रक्रिया हमने पश्चिम बंगाल में भी की, वहां जाके किसानों ने बीजेपी के खिलाफ वोट कहा क्योंकि काले कानून ये लेके आए, किसानों की हत्या करने वाले ये लोग हैं और जानबूझकर अपने दोषियों को बचाने के लिए, किसानों की प्रमुख मांगों को ठुकराने के लिए ये जिम्मेदार है। एक मिनट स्वामींद्र जी, वैभव जी, मैं व्यक्तिगत रूप से आपके तर्कों का बहुत सम्मान करता हूं और मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे भी और शिल्पी जी दोनों से गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग अपना पॉइंट उठाइए, बीच में मत टोकिए, मैं आप पूरा मौका दूंगा आप सबको। लोकेश जी भी जानते हैं मैं डिबेट पूरे संयम के साथ, ना पक्ष ना विपक्ष, हम बिल्कुल निष्पक्ष, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे भी। और वैभव जी, मैं इसलिए बात कह रहा हूं, थोड़ा मूड हल्का कर देता हूं, आपके आगे लिखा होता है टाइगर, और टाइगर कभी भी ना रण छोड़ के भागता नहीं है, है ना भाई? ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए ऐसा है कि एक तो महिला नेत्री हैं और हमारे 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 भारत के राजनीति में महिलाओं की वैसे ही बहुत कमी है और उनको आगे आना चाहिए, और क्योंकि जब महिला नेत्री हैं और वो बोलती हैं तो मैं उनके समक्ष एकदम जवाब नहीं दे सकता हूं, क्योंकि क्योंकि हम महिलाओं की बात करने का तरीका, डिबेट करने का, डिस्कशन का तरीका अलग होता है। एक दूसरे जब वो बोलते हैं तो मेरी को दुखना पड़ेगा। व्यक्तिगत रूप से मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ओके, अब मुझे मेरे सवाल का जवाब, अब आते हैं मुद्दे पर। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं विभव जी, इस पूरे मसले को लेकर आपको लगता कि बीजेपी ने सेल्फ कॉल कर दिया जो आरोप लगा रहे हैं? मैं बताता हूं आपको, मैं बताता हूं आपको। देखिए ऐसा है कि जहां तक भाजपा की बात है, मैं आपको बताऊं कि एक तो ये इंटरनेट वगैरह का कहां से आ रहा है मुझे नहीं पता, मैंने आज सारे दिन इसको फॉलो किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मेरे को हर 15 मिनट में 20 मिनट में खबर आ रही थी, मेरे कई मित्र हैं वहां पे, ठीक है। मैं आपको एक पढ़ के बता रहा हूँ जो कोर्ट में डिस्कशन हुआ उससे, खासकर स्वामी इंद्र जी के लिए, हाँ, जो भी इल्जाम लगाता है वो सुने। तो इसकी क्या है, जो अंदर डिस्कशन होता है उसकी एक स्क्रिप्ट बनती है, उस स्क्रिप्ट का एक हिस्सा पढ़ के बता रहा हूँ कि किसने क्या कहा और फिर क्या सबूत पेश हुआ। मैं एक लाइन, दो लाइनें हैं केवल। इट इज ऑन द अदर हैंड काउंसिल फॉर द कंप्लेनेंट जगजीत सिंह आर्ग्यूड, यानी कंप्लेनेंट के काउंसिल ने स्वयं आर्ग्यू किया कि ड्राइवर कुडंट हैव मोड डाउन द फार्मर इफ नॉट फॉर द ऑर्डर्स ऑफ मिश्रा, यानी ड्राइवर, गाड़ी का जो ड्राइवर है वो मिश्रा का ऑर्डर नहीं होता तो वो किसानों को रौंद नहीं सकता था, ठीक है। सिंस ही इज क्वाइट एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, यानी वो एक बड़ा आदमी है इस वजह से। अब उस पे जज साहब ने उनसे मांग लिया एविडेंस, और कोई एविडेंस उस पे पेश किया नहीं गया। जस्टिस राजीव सिंह जी के आप केसेस पढ़ेंगे ना, मेरी भी लॉ फर्म है, हम लोग करीब 18-19 वकील हैं जो साथ काम करते हैं दिल्ली में और बहुत बड़े बड़े मसले करते हैं। आप जस्टिस राजीव सिंह जो कि जज थे आज के मैटर में जिन्होंने बेल दी, आप उनके मसले पढ़ेंगे ना, तो वो ऐसे ऐसे मसलों पे उन्होंने ऑर्डर्स दिए हैं जिस पे बाकी जज हो सकता है अपने आप को रिक्यूज कर लें एक बार को। बड़े कॉन्ट्रोवर्शियल मसलों पे उन्होंने ऑर्डर्स दिए और उनके ऑर्डर्स को सलाम ठोका जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट एक स्पेशल कोर्ट है जिसके अंदर बहुत कॉम्प्लिकेटेड मसले आते हैं, वैसे ही उत्तर प्रदेश है। तो आप जस्टिस राजीव सिंह का अगर तर्क देखेंगे तो आपको समझना पड़ेगा कि इससे पहले कि हम अदालत की ओर एक उंगली उठाएं और उसमें राजनीति की बात ढूंढे सूंघे, आई थिंक ये जरूरी है इस बात को देखना कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है, जुडिशियल मसला है, इसमें राजनीति की बात लोगों के लिए राहत है कि नहीं। जहां तक पार्टी को कोई राहत की बात नहीं है, पार्टी मैंने आपको पहले ही अपनी ओपनिंग स्पीच में बताया, मैंने अपना ओपनिंग सेंटेंस यही बोला था कि प्रदेश सरकार की जहां तक बात है, प्रदेश सरकार के एडवोकेट जनरल ने तो खड़े होकर आशीष मिश्रा पे इल्जाम लगाया। लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है और खासतौर पर किसान तो यही कह रहे हैं ना कि पिता का इस्तीफा नहीं हुआ और बेटे को जमानत मिल गई। अब देखिये इसमें दो ही बातें हैं, इसमें दोनों ही बातें हैं। देखिए एक तो बेटे की गलती पिता क्यों भुगते, पहली बात, सिक्के का एक पहलू है। देखिए मेरी 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 बातों को आपका लोग आप अगर
कानून के छात्र हैं तो एक सवाल पूछ लूं सर आपसे कानून के नजरिए से। मैं छोटा सा सवाल, मैं उत्तर नहीं देना चाहूंगा बट एक बार पूछ के ट्राई कर लेते हैं, एक बार कोशिश कर लेते हैं सर, क्योंकि बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल मैटर्स हैं और मैं क्योंकि राजनीति से ताल्लुक रखता हूं, मैं उसमें बताया नहीं, मैं एक्स वाई जेड किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं सिर्फ कानून के छात्र हैं आप इसलिए मेरे को थोड़ा सा कानून का ज्ञान चाहिए। कोई शख्स जिसका तहरीर में नाम हो, तहरीर में एफआईआर में नहीं करा, तहरीर में नाम है, वो आरोपी है, चार्जशीट दाखिल होती है, 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हो जाती है और आरोपी से एक घंटा एक दिन एक मिनट एक सेकंड भी पूछताछ नहीं होती, क्या ऐसा संभव है? देखिए कानून के बढ़िया प्रश्न है आपका और जेन्युइन प्रश्न है और मैं आपको बताऊं, मेरे को एक मिनट के लिए अगर मैं इसको एक लॉ के हिसाब से देखा जाए तो क्या होता है लॉ में, क्या होता है खासकर किसी क्रिमिनल मैटर में, प्राइमरी सेकेंडरी और थर्ड पार्टी एविडेंसेस और थर्ड पार्टी प्राइमरी सेकेंडरी और थर्ड पार्टी आरोपी होते हैं, तो उनको हमारी इन्वेस्टिगेशन में, इस इन्वेस्टिगेशन में, इस केस में पुलिस ने किस तरह ट्रीट किया है, किस लेवल पे ट्रीट किया है, इन्वेस्टिगेशन और पूरा मसला उस तरह से माना जाएगा। राइट सर, बिल्कुल, पूछताछ होगी या नहीं होगी? नहीं, अगर वो पूछताछ भी तब डिपेंड करता है जब वो प्राइमरी सेकेंडरी या फिर थर्ड पार्टी, अच्छा, यानी कि पूछताछ जरूरी भी नहीं है और बिना पूछताछ के चार्जशीट दाखिल हो जाती है। नहीं नहीं नहीं, क्रिमिनल लॉ में पूरा प्रोसेस है, तो अगर आप ये केवल इतना देख रहे हैं कि पूछताछ नहीं हुई तो उसका एक रीजन उसमें लिखा होगा कि उनसे आरोपी से पूछताछ क्यों नहीं हुई, या हो सकता है हमें नहीं पता है, हमने चार्जशीट नहीं पढ़ी है, मैंने नहीं पढ़ी है, चार्जशीट पे ये लिखा हो कि उनसे वीडियो पे कॉल किया है, फोन पे बात हुआ है, जो भी हुआ है अपने को नहीं पता, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन, यानी आप ये कह रहे हैं कि मंत्री से पूछताछ हुई होगी? हुई होगी, हो सकता है, अपन ने चार्जशीट पढ़ी नहीं है ना, अपने को कैसे पता चलेगा? ओके शिल्पी चौधरी जी, अब आप अपनी बात रखिए, फिर उसके बाद एक और महत्वपूर्ण विषय पर मैं आ रहा हूँ, जल्दी से बोलिए। नहीं, मैं क्या बात रखूंगा, देखिए शिल्पी जी, सीधे तौर पर कह रहे ना तो सरकार का लेना देना है, अगर हमारी नियत पे शक होता, हमने एसआईटी का गठन किया, हमने निष्पक्ष जांच करवाई और जांच के आधार पर ही कानूनी कार्रवाई, उसमें सरकार का क्या लेना देना? देखिए एसआईटी का गठन, जो उतना दबाव ना होता इनके ऊपर, किसानों का, जनता का इतना दबाव ना होता, पूरी दुनिया में इनकी इतनी थूथू नहीं हो जाती, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस पूरे मामले को कवर किया गया था, सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर ये नहीं कवर हुआ था, तो ये तो मजबूर हुए, ये बाध्य हुए, और अगर ऐसा ही होता तो भी इन्होंने घंटों पूरी चलाई है जांच पड़ताल और गवाही, और अभी भी देखिए अजय मिश्रा टेनी जी, उनसे कभी भी जांच पूछताछ नहीं हुई, यह सबकी सबको स्पष्ट है, आपको नहीं स्पष्ट होगा, भाजपा के प्रवक्ता को नहीं स्पष्ट होगा, तो ये सिर्फ जनता का दबाव था और जनता के दबाव में आखिरी तो इन्हें यही करना था, लेकिन जो आप बात कह रहे हैं कि सेल्फ गोल, ये बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये निर्णय बहुत आत्मघाती साबित होने वाला है। ये सेल्फ गोल है, सेल्फ गोल है क्या वैभव जी? ऐसे वक्त में जब मतदान होना है, लखीमपुर खीरी में चौथे चरण में मतदान है, मंत्री का बेटा बाहर आएगा और विपक्ष से मुद्दा बनाएगा, फिर आप जनता को क्या कहेंगे कि किसानों को अगर रौंदा गया तो किसने रौंदा? फिर अगर मंत्री के बेटे ने नहीं रौंदा, अगर एसआईटी कह रही है कि साजिश हुई और साजिश मंत्री के बेटे ने रची, तो फिर किसने रची वो साजिश? जनता तो ये पूछेगी ना आपसे। आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है, लेकिन ये चीज मैं नहीं बता पाऊंगा, ये चीज लोकल जो इलेक्शन प्लानिंग हो रही है वो टीम बता पाएगी, लेकिन जहां तक शिल्पी जी का आरोप है कि सबको पता है कि उनसे इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, मेरे ख्याल से संस्कृत में एक दोहा है, जाको जैसी भावना, जाको जैसी सोच, ताको वैसी भावना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु देखी तीन पैसे। अरे कुछ तो जानिए, डिबेट करने आगे महाराज, डिबेट ऐसे नहीं होती है, डिबेट ऐसे नहीं होती है। नहीं नहीं, पूरा मुझ पे अटैक कर रहे, मैं इनका दोहा क्लियर कर दे रही हूँ, एक सेकंड शिल्पी, दोहा करेक्ट किया मैंने इनका। ओके ओके प्लीज, एक एक कर मैं आऊंगा ना आपके पास। शिल्पी जी, आपको ना थोड़ा सा मेरे बारे में ना थोड़ा सा देखना चाहिए, आप गूगल करिएगा आप भी मेरे बारे में। नहीं नहीं, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं, मैं अभी आप भारतीय जनता पार्टी से आए हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी के तौर पे आपसे बात कर रही हूं। एक सेकंड, पर्सनल नहीं प्लीज, पर्सनली मुद्दे पर। वैभव जी, आप ये कह रहे हैं कि हम जो कैंपेन जो देख रहे हैं वो देखेंगे, लेकिन वोट मांगने तो आप भी जाएंगे ना, कोई आपको खड़ा होकर ये पूछ रहे कि वैभव जी आप बताइए कि अगर मंत्री के बेटे ने नहीं रौंदा किसानों को तो किसने रौंदा, वो कौन था शख्स? ठीक भाई साहब, बिल्कुल ठीक प्रश्न कह रहे हैं, लेकिन इस बात का मैं जवाब आज इसलिए नहीं दे पाऊंगा, और मेरा इस बात पे, यदि आप मेरे से पूछते हैं, आप भी मेरे वोटर हैं, आप तो देहरादून में रहते हैं, बट आप भी मेरे वोटर हैं, बहुत लोग मेरे वोटर हैं, शिल्पी जी मेरी वोटर है, स्वामी जी मेरे वोटर हैं,
मेरे मतलब भारत के वोटर हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप भी एक सत्तारूढ़ पार्टी से ये प्रश्न करते हैं कि हम सत्तारूढ़ नहीं भी होती है और हमारी पार्टी से लिंक होता है और प्रश्न करते हैं, तो मेरा आज की तारीख में ये जवाब रहेगा कि भाई साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैटर सब जुडिस है, इन्वेस्टिगेशन जारी है, कोर्ट केस जारी है, मेरे को नहीं पता है इस बारे में, मेरे ऊपर है। तो मैं बीच में मंत्री का इस्तीफा तो लेना आपके हाथ में था, और नैतिकता के आधार पर मंत्री के बेटे को लेकर अगर बात कर रहे हैं आप, तो मंत्री का इस्तीफा तो लेना आपके हाथ में था कि नहीं? अगर जरूरी होगा तो वो भी होगा, ये मैं अपनी पिछली वाली डिबेट में भी बोल चुका हूँ, अगर जरूरी होगा तो वो भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप जरूरी नहीं समझते देश की भावना, किसानों की भावना को आप जरूरी नहीं समझते? एक एक करके स्वामी इंद्र जी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, उसके बाद स्वामी जी बोल रहे हैं। क्या क्या वैभव गायकवाड़ की दलीलों से असंतुष्ट है? मैं पहले भी, देखिए ये बिल्कुल अपनी पार्टी को बचाने में लगे हुए हैं, कहीं भी इनकी भावना किसानों के साथ नहीं नजर आ रही। इनका दायित्व बनता है कि अपने आला कमानों को अपनी तरफ से पत्र लिखें और अपनी स्थिति स्पष्ट करें, खाली टीवी चैनल पर आके बोलना कि जरूरी होगा तो ले लिया जाएगा, अपनी स्थिति स्पष्ट करें और पत्र दिखाएं चैनल पर आके, देखिए मैंने अपनी तरफ सिफारिश कर दी किसानों के लिए कि अजय टैनी मिश्रा जी को नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र देना चाहिए और तमाम इनके पदाधिकारी सबको ये कहना चाहिए, क्योंकि पार्टी उन्हें बनाए हुए है। और किसानों की शंका बिल्कुल सही जा रही है कि जब तक अजय टैनी जी मंत्री पद पर रहेंगे वो जांच को प्रभावित भी करेंगे। अब उनका बेटा आ गया है बाहर, उनकी गुंडागर्दी आपने देखी ली, टीवी पे आपके विजुअल चली रहे हैं। मैं आपको साधुवाद करता हूं आपके चैनल को कि आप ऐसे व्यक्ति का विजुअल दिखा रहे हैं जो सत्ता के अंदर है और लोगों को डराते हैं। देश पे मीडिया के ऊपर बंदूक का राज है, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, तो इसलिए बड़ा समझना होगा कि आने वाला समय देश के लिए कितना खतरनाक है। देश की जनता अपने विवेक से वोट डाले, किसी की भावना में ना बहे। वोट दरअसल ये मसला है क्या ना वे बज आ रहा हूं लोकेश जी, लखीमपुर खीरी कांड को लेकर मैंने एक रिसर्च किया और मैं पहुंचा रुद्रपुर के करीब, एक बॉर्डर है यूपी और उत्तराखंड का। लोकेश जी, जो अन प्रतिज्ञा ले रहे थे शिल्पी जी आपके साथ, तजेंद्र सिंह विर्क साहब, आप सबने देखा होगा वो विजुअल जहां पर अखिलेश जी अन प्रतिज्ञा ले रहे हैं जी। और उनके साथ तजेंद्र सिंह विर्क खड़े हैं। वो तजेंद्र सिंह विर्क कौन है? दरअसल ये जो गाड़ी रौंदने वाली तस्वीर है जिसका जिक्र आप स्वामी इंद्र जी कर रहे हैं, वैभव जी मैं आपको बताता हूं, उसमें जो शख्स सबसे आगे चल रहे हैं लाल पगड़ी में आप देख रहे होंगे उस तस्वीरों में, वो तजेंद्र सिंह विर्क थे जो बच गए। जब यूपी और उत्तराखंड के बॉर्डर पर मैं पहुंचा, मैंने उनका घर पता किया, उनके घर पहुंचा, उनसे बात की, और जब मैंने उन्हें ये तस्वीरें दिखाई तजेंद्र सिंह विर्क जी को, तो वो रो पड़े, वो रो पड़े, बोले पता नहीं वाहेगुरु ने ऐसा मेरे साथ क्या किया कि मेरे साथियों को ले गए, मुझे छोड़ गए। मैंने कहा ये पीड़ा आपको क्यों हो रही है? तो उन्होंने कहा कि भाई कोर्ट ने मुझे कहा कि सिक्योरिटी मिले, लखीमपुर के एसएसपी उधम सिंह नगर के एसएसपी को लिख रहे हैं कि आप विर्क जी को सिक्योरिटी मुहैया करवाइए। बोले मुझे आज तक सुरक्षा नहीं मिली, सुरक्षा नहीं मिली। अभिनव जी मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं, ऐसे मसलों को लेकर एक परसेप्शन, एक नैरेटिव क्रिएट होता है, सवाल खड़े होते हैं। वो टाइमलाइन पर पड़ा हुआ इंटरव्यू अगर आप लोग देखना चाहें तो आपको मिल जाएगा, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टाइमलाइन पर पड़ा हुआ है। मैं उस डिबेट में भी थी। आप उस डिबेट में भी थे शिल्पी जी। विभव जी अपनी बात रखिए, फिर लोकेश जी आपके पास आ रहा हूं मैं। सर अनम्यूट कर लीजिए।
भाई साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और यदि एडमिनिस्ट्रेशन से इस तरह की कोई चूक हुई है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि विरक साहब को एक चिट्ठी लिखनी चाहिए प्रदेश के मुखिया को, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन उनके अंतर्गत आती है और एक साथ में डीजीपी, और अगर वो चाहें तो आप प्लीज मेरा नंबर उनको दें, मैं बात करवाने में अगर चैनल करने में कोई दिक्कत है तो मैं उसको कोशिश करूंगा कि वो मेरे जरिए भी हो सके। लेकिन इसका एक पूरा सिस्टम है और उनको करना चाहिए, और ये बहुत गलत बात है। एडमिनिस्ट्रेशन से यदि चूक हुई है तो मेरे ख्याल से जिससे भी चूक हुई है उसको हमें आड़े हाथ लेना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक एक कोर्ट का मसला है, मैं हमेशा देखिए मेरी डिबेट्स में हमेशा मैं एक बहुत ऑनेस्टली बोलता हूं, चाहे वो मेरी सरकार की गलती हो चाहे वो किसी और के सरकार की गलती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप मेरी पुरानी कोई भी डिबेट उठा के देख लीजिए, मैं जब वक्तव्य देता हूं तो मैं एक तलवार को तलवार ही बोलता हूं, मैं एक तलवार को चाकू नहीं बोलता हूं या एक तलवार को फूल नहीं बोलता हूं। तो मेरी आदत नहीं है अपने वक्तव्य में फूल बरसाने की, तो जो सच है वो सच है, देखिए उससे कोई भागेगा नहीं। मैं तो आज तो चली ना वैभव जी, तलवार तो चली ना, कत्ल तो हुआ ना कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, और मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और वो चल रही है इन्वेस्टिगेशन। मैं आज की तारीख में अपनी सरकार ने ये बात क्यों कह रहा हूं कि लोकेश जी आपके पास आ रहा हूं, वैभव जी कमेंट आया लाइव में, अब लाइव में कमेंट ये आया कि वैभव जी से पूछिए कि आपके ब्रांड एम्बेसडर लखीमपुर में यही रहेंगे ना मंत्री के बेटे? नहीं मुझे नहीं लगता है ये रहेंगे, इनका नाम कहीं नहीं है लिस्ट में। आपको अफसोस है उनके बाहर ना मंत्री का नाम है ना इनके बेटे का नाम है, लिस्ट में नाम ही नहीं है। अगर मंत्री आपके लिए जरूरी नहीं है तो आपने उनको चुनाव प्रचार की कमेटी से ही बाहर निकाल दिया, वो तो आपके चुनाव प्रचार तक नहीं कर रहे। नहीं नहीं नहीं, आप बात नहीं समझे। आप ये देखें कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है, कानून यदि उनको मेन एक्यूज नहीं मानता है तो अपन मेन एक्यूज वाली सजा उनको कैसे दे देंगे? अफसोस हुआ उनको बेल मिल गई, मेरे को अफसोस की बात नहीं है, मेरे को अपनी जुडिशियरी में अफसोस और खुश होने की बात ही नहीं है उसमें, मेरे को जुडिशियरी में विश्वास है। एक बार को अपन मान लेते हैं कि चलो जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी स्टेट के अंडर में आ रही है, लेकिन भाई साहब जज अगर पूरा पेरूस कर रहे हैं, हम किस लेवल तक जाएंगे अपने सिस्टम में विश्वास ना रखने के लिए? मैं इसी से जुड़ा सवाल पूछ रहा हूं, सबसे वक्त ले रहा हूं, एक सेकंड। अब ये लाइव में क्योंकि कमेंट्स आ रहे हैं मैं उसी का जिक्र कर रहा हूं। कह रहे हैं विभव जी से पूछिए कि खुशी दुबे का नाम सुना है आपने? नहीं मैंने नहीं सुना। लो खुशी दुबे का। नहीं मैंने नहीं सुना। विकास दुबे का। बहुत बहुत धन्यवाद विकास दुबे का। खुशी दुबे क्यों जेल में है? वो कह रहे हैं कि वैभव जी प्लीज सर्च करिए आपको पता चल जाएगा खुशी दुबे जेल में क्यों है। कह रहे हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है, यदि वो जेल में है तो इसमें सरकार का क्या लेना देना है? अमिताभ ठाकुर जेल में है। कौन? अमिताभ ठाकुर। हाँ तो वो भाई अगर वो जेल में है तो सरकार की राजनीति से क्या लेना देना है? एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है, जेल ये किसी और सरकार में नहीं है जेल। यहाँ पे एक पूरा प्रोसीजर फॉलो होता है ट्रांसपेरेंटली। ये नहीं है कि किसको बनाया और फिर सुनते हैं आपके पास आ रहा हूँ। लोकेश जी पहले भी देखा है ये अराजकता। मैं काफी देर से सुन रहा था। देखिए प्रोसीजरल लॉ और एविडेंस एक्ट जितने भी नॉर्म्स है ये किस तरह से वायलेट किए जाते हैं ये सभी को पता है। अगर हम उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो हमने देखा इनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। हाथरस केस जब हुआ तो उसमें जल्दी से डीएम ने मिट्टी का तेल डालकर उस बॉडी को जलाने की कोशिश की। आप उसके बाद में विकास दुबे के जिसकी आप बात कह रहे हो duly as per law he should have been brought to the court but बीच में उसका एनकाउंटर हो जाता है, गाड़ी पलट गई। उसके बाद में अभी हमने लखीमपुर खेरी का मामला देखा, एक मनीष गुप्ता केस आया था। मनीष गुप्ता केस में एक कोई कानपुर के बिजनेसमैन थे, उनको गोरखपुर में पुलिस ने लाठी मार के मार दिया और उसके बाद में एक वीडियो वायरल हुआ था जहां पे SSP कह रहा था उसकी वाइफ को कि आप बिल्कुल भी इस बात इसकी पैरवी मत या इस बात को उठा लिए मत, ये आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। बात यह है उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है ये अपने ऑल टाइम लो पर पहुंच चुकी है। ये सुशासन की बात करते हैं लेकिन आप NCRB की 2020 की रिपोर्ट पढ़िए, सबसे ज्यादा FIR क्राइम अगेंस्ट स्टेट की उत्तर प्रदेश में हुई है, तकरीबन 2500 FIR। योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में FIR हुई है शादियों को लेके कि भाई ये जो है लव जिहाद का मामला है, जहां पर खुद लड़कियां कह रही है कि ये लव जिहाद का मामला नहीं है, प्रॉपर्टियां अटैच की जा रही है।
तो एक ड्रैकोनियन एंड अथॉरिटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नेंस और जिसको हम कहेंगे रूल एक आ चुका है उत्तर प्रदेश में, और ये कितना भी कह दें ह्यूमन राइट्स, सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, इसका कहीं दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ओके स्वामी इंद्र जी, आपको लगता है कि बीजेपी को नुकसान होगा इससे, जबकि बीजेपी कह रही है हमारा कोई लेना देना नहीं इस मसले से। कोर्ट में सुनवाई हो रही है, कोर्ट में हेयरिंग हो रही है, कोर्ट फैसला ले रहा है, बेल देनी है नहीं देनी, जेल जाना नहीं जाना, जो प्रोसेस है वो सब कुछ कानूनी नजरिए से हो रहा है। देखिए उत्तर प्रदेश में अंधेर नगरी चौपट राजा बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है, और 5 सितंबर 2021 गाजी अपना मुजफ्फरनगर में जो किसानों की रैली हुई थी, उस रैली को देखकर इनके जो मंसूबे हैं सामने नजर आ रहे हैं। हर प्रकार से किसानों को और आम नागरिक को, युवाओं को प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। आज किसान और देश का युवा इस बात को समझ रहा है, और किसान बार बार बता रहे हैं, जो आपने तेजन सिंह विर्क का जो नाम आपने दर्ज किया बताया अभी, तेजन सिंह विर्क के साथ अन्य और भी किसान थे जिन्हें गंभीर चोटें आई और कईयों का इलाज अभी भी चल रहा है। आप ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इस देश की किसानों को, आम नागरिक को रोंदा गया, उन्हें मारा गया, उसके बावजूद भी सरकार जो है टस से मसनी हुई, अपने गृह राज्य मंत्री का नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र लेना मुनासिब नहीं समझा। ये बिल्कुल निम्न स्तर की देश की अंदर राजनीति हो रही है। उत्तर प्रदेश के लोग इस बात को समझेंगे, और इस बात को देखकर आने वाले समय में जैसे आज चुनाव के अंदर लोगों ने भाग लिया है बड़ी संख्या में, मुद्दा बनाएंगे आप 23 तारीख, बिल्कुल यह मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, किसान इस बात को लेकर पूरे देश में खासकर उत्तर प्रदेश में प्रचार करेंगे। हम जनता के बीच जाएंगे कि आपने ना तो मंत्री का इस्तीफा दिया और ना ही बेटे को सजा दिलाने में मदद की। आपकी आवाज कट रही है भाई साहब। वैभव जी, हाँ जी, स्वामी जी कह रहे हैं कि हम तो विरोध करेंगे इस बात का, और 23 तारीख को जनता के बीच जाएंगे और जनता को बताएंगे कि आपने ना तो मंत्री के बेटे को सजा दिलाने में मदद की और ना ही मंत्री का इस्तीफा लिया। देखिए ऐसा है कि मैं स्वामी जी के जो इमोशन हैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, और जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, और जो जिसने भी ये किया है मैं ओपनली कह रहा हूं, चाहे वो हमारी पार्टी के नेता हैं या छोटे नेता हैं या बड़े नेता हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जिसने भी हुआ ये भाजपा है, मोदी सरकार है, योगी सरकार है, इसके अंदर कोई भी ये नहीं कह सकता है कि रेप किया है तो क्या किया है, बच्चे हैं तो खेलते हैं, छेड़ेंगे तो छेड़ेंगे, कोई नहीं कह सकता है हमारी सरकार में ऐसे। अच्छा, तो यदि मैं उनकी उनकी भावनाओं से आज का बयान सुनाऊं, वैभव जी, योगी जी का, किसका आज का बयान सुनाऊं, योगी जी का, जी योगी जी का सुनना चाहेंगे, जी सुना सुन सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं पहले आपकी बात सुना देता हूं, फिर उसके बाद आ रहा हूं शिल्पी जी आपके पास आ रहा हूं। योगी जी का प्लीज बयान प्ले करिए, जिसमें वो बता रहे हैं कि कश्मीर, बंगाल, केरल ना बन जाए उत्तर प्रदेश, वो किस संदर्भ में कह रहे हैं, मैं पूछूंगा वैभव जी आपके पास, लेकिन प्लीज योगी आदित्यनाथ जी का बयान प्ले करिए, सूबे के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। नमस्कार, उत्तर प्रदेश के मेरे मतदाता भाइयों एवं बहनों, अब एक बड़े निर्णय का समय आ गया है। पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने जो कुछ भी किया है पूरी श्रद्धा एवं प्रतिबद्धता के साथ किया, और जो कुछ भी कहा आपको भरोसे को मान रखते हुए उसे निभाया। आपने स्वयं सभी कुछ देखा है और इन चुनावों तक आते आते ध्यान से सब कुछ सुना भी, और मुझे आपसे अपने दिल की एक बात कहनी है। इन 5 सालों में बहुत कुछ अभूतपूर्व हुआ, सावधान रहिए, आप चूके तो 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा, और इस बार उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनते देर नहीं लगेगी। आपका वोट मेरे 5 वर्ष की तपस्या
पर आपका आशीर्वाद तो है ही, और यह भी ध्यान रहे कि अब वोट आने वाले वर्षों में आपके भयमुक्त जीवन की गारंटी भी बनेगा। जय जय श्री राम। आपने वैभव जी, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कहीं कश्मीर केरल बंगाल ना बन जाए यूपी, गलती हुई तो मतलब इसका कहने का क्या मतलब है, कहीं कश्मीर केरल बंगाल ना बन जाए यूपी? देखिए ऐसा है कि कश्मीर में जब दूसरी सरकारें थीं तो हमने अराजकता देखी है, वहां पे कश्मीरी पंडितों को मारा है, उनको बेघर किया गया है, उनको भगाया गया है और एक माहौल खराब किया गया है। अच्छा। उसी तरह वेस्ट बंगाल में हमने देखा कि जब इलेक्शन आए, इलेक्शन हुए पूरे, उसके बाद कितनी कितनी राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। उसी तरह केरला में हमने देखा है कि राजनीतिक हत्याएं कितनी हुई हैं एक पर्टिकुलर सरकार की सोच के चलते। आज कर्नाटका में अगर अराजकता के माहौल बना हुआ है स्टूडेंट्स के बीच, जिनको पढ़ाई के लिए हम सबको मिलकर प्रमोट करना चाहिए, जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, उसका पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, राजनीतिक भावना फैलाई जा रही है। मेरे ख्याल से किसी और पार्टी को वोट ना देकर भाजपा को वोट देनी चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और प्रगति तीनों में कह रहे हैं कि कश्मीर केरल और बंगाल ना बन जाए। आप फिर तो लोकतंत्र, जो जनता ने वोट दिया, आप तो उसका अपमान कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जनता ने उसके बाद जिन लोगों ने जनता के जो ट्रस्ट है उसका हनन किया था, जनता ने उनको उखाड़ के फेंक दिया। और जहां तक वेस्ट बंगाल की बात है, हम सबको पता है खुले में चीटिंग हुई। जनादेश का सम्मान होना चाहिए ना। जनादेश क्या कहता है? केरल जनादेश का सम्मान है, लेकिन जो राजनीति, जनादेश का सम्मान है, सरकार सही बनी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ की सरकार कर रहे ना, आप कह रहे हैं केरल, कश्मीर और पश्चिम बंगाल ना बन जाए। मैं वो समझना चाह रहा हूँ, पश्चिम बंगाल का क्या मतलब है? पश्चिम बंगाल में जनता ने वोट दिया कि आप हमें स्टेबिलिटी दो, ट्रस्ट दो, पीस दो, प्रगति दो, लेकिन वेस्ट बंगाल सरकार तो कुछ नहीं कर पा रही। भारत सरकार ने वेस्ट बंगाल सरकार को बोला कि भाई साहब एयरपोर्ट बनाना है, तो सरकार के पास जमीन नहीं है। टेस्ला के पास जमीन है, टेस्ला के प्लांट लगाने के लिए, मतलब गेम अलग है ना। और फिर राजनीतिक हत्याएं कितनी हुई है, तो जनता ने सरकार अराजकता फैलाने के लिए नहीं बनाने के लिए बोला। अच्छा, मुझे प्रगति कराने के लिए बोला। शिल्पी जी आ रहा हूँ आपके पास, मुझे एक बात बताइए, इस बयान से आप लोगों को फायदा होगा या नुकसान होगा योगी जी के इस बयान से? नफा नुकसान की कोई बात नहीं है, योगी जी ने दिल से बात बोली है। बेशक वो सूबे के मुखिया हैं, बेशक वो भाजपा के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये दिल से बात हुई है। और मैं ऐसे बयानों से भाईचारा बढ़ता है? बिल्कुल बढ़ता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो राजनीतिक पार्टियों के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य करने की क्षमता पे कटाक्ष कर रहे हैं। किसी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी पर्टिकुलर आदमी के बारे में, व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं कर रहे। वो केवल इतना सचेत कर रहे हैं कि फला फला को दम देना ताकि ये माहौल बने। आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन पब्लिक को यह भी बताना चाहिए कि आपने कितनी भर्ती निकाली, कितनी भर्ती आपने पूर्ण की है। सब रोजगार चाहिए या फिर पक्की नौकरी चाहिए, और उसके लिए आपका नजरिया क्या है, इस पर भी वोट मांगिए ना सर। देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, उत्तर प्रदेश का, सूबे का। उत्तर प्रदेश में जब पहला लॉकडाउन हुआ था तो सब त्राही त्राही के लिए भाग रहे थे कि क्या हो गया। उसके बाद जब दूसरा लॉकडाउन हुआ और जब आज हम बैठे हैं, 4 लाख टेस्ट रोज हो रहे हैं, 70,000 बेड रिजर्व में है कोविड पेशेंट्स के लिए। ये होती है तरक्की, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये होती है तरक्की। मैंने आपसे ये कहा कि सुरक्षा, तरक्की में फिर नौकरी भी आज की तारीख में, आज की तारीख में होगी तो सर आपको फ्री में राशन नहीं देना पड़ेगा। तैयार हो रही है, अगर नौकरी होगी ना सर, फ्री में राशन नहीं देना पड़ेगा आपको। अगर सबके पास नौकरी होगी, दवाई पढ़ाई और कमाई, आपको फ्री में राशन नहीं देना पड़ेगा सर, 80 करोड़। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, चलते चलते मुझे छोटी सी बात सर, ये पश्चिम, क्योंकि लोग लगातार कह रहे हैं कि तिलक चावला पश्चिम उत्तर प्रदेश में, पूछो कुछ सवाल। मैं छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, ये गन्ना चलेगा या जिन्ना चलेगा? गन्ना। क्या बात, गन्ना नहीं चलेगा। क्या बात है चावला जी, मेरा एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जिन्ना नहीं चलेगा ना सर? वैभव जी पक्का? सर बोल तो दीजिए, पक्का क्या सर, गन्ना या जिन्ना? गन्ना। जिन्ना वगैरह के लिए, इन सब मसलों के लिए जगह नहीं है, सरकार के पास समय नहीं है। ओके, जिन्ना विन्ना नहीं चलेगा। ओके, जल्दी से 10 सेकंड, जल्दी से लोकेश जी प्लीज, मेरे को वक्त की ज्यादा नहीं है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि योगी सरकार ने MSP में शुगर केन का प्राइस
325 से केवल 350 क्यों किया, जबकि अगर हम इन्फ्लेशन दर की बात करते हैं, पूरी नीतियों की बात करते हैं, कम से कम जो प्राइस एक्सपेक्टेड था वो 400 रुपए होना चाहिए था। अगर ये गन्ने की बात कर भी रहे हैं तो मुझे एक बात बताइए, इन्फ्लेशन दर के भी मुकाबले गन्ने का इतना कम एमएसपी का प्राइस क्यों किया आपकी सरकार ने? सटीक प्रश्न है, मैं जवाब दूं प्लीज जल्दी प्लीज। सटीक प्रश्न है लोकेश भाई, लेकिन इस प्रश्न का जवाब मैं नहीं दूंगा, सरकार देगी सरकार आने के बाद। लेकिन मैं उसके साथ साथ आपको ये बता दूं, गन्ने का जितना भी बकाया था उसका 125,000 करोड़ रुपए सरकार ने दिया है, जो कि अब तक के पिछले 25 सालों में किसी भी सरकार ने सबसे हाईएस्ट दिया है। ओके, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन अभी तक पेमेंट, एक मिनट एक मिनट, 125,000 करोड़ की पेमेंट हो चुकी है, 3,50,000 पेमेंट नहीं हुई है। थैंक यू सो मच शिल्पी जी, आप लोगों ने संयम के साथ मेरी बात का सम्मान रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो सवाल थे उस सवालों को मैंने उठाया इस मंच के जरिए और कोशिश की उस हर एक सवाल का जवाब लेने की जो कि इस पूरे विषय को लेकर पूछे जा रहे हैं, गूंज रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।